मैं सिवनी से बात कर रहा था। हाँ सर मैं एक क्वेरी थी मेरी, एक छोटी सी। ये जो फॉर्म निकले हैं आपके बैंक मैनेजर के, अफेक्ट बैंक में, और उसके ऑपरेटर के, राइट? हाँ हाँ तो क्या एक स्टूडेंट दोनों फॉर्म फिल कर सकता है या वो एक ही फॉर्म फिल कर सकता एक ही एक ही एक ही पोस्ट के लिए। है? अच्छा, अगर वो दो ऊपर के उस पर लिखा हूँ मैं, आप जैसे खोलेंगे लॉगिन करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आप वेबसाइट जो खोलोगे ना लॉगिन, तो अच्छा, हाँ, लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड उस पर लिखा हूँ मैं, देख लिया आप। अच्छा, सर ध्यान नहीं दिए थे एक्चुअली। नोटिफिकेशन में बहुत देखा पर मिला नहीं था, बहुत नहीं कंफ्यूजन था। ऊपर ऊपर नहीं, उसमें भी लिखा हुआ है अच्छा, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन में भी, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन है ना, एज रिलैक्सेशन। हाँ तो बना हुआ है, एक तीन चार पांच रिलैक्सेशन लिखे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके नीचे देखो 8 9 आखिरी पॉइंट है, शायद 9 10 पॉइंट है। अच्छा। और सर अगर किसी ने बाय मिस्टेक दोनों फॉर्म फिल कर लिया तो नॉलेज ना मिलने की वजह से पहला तो लास्ट वाला कंसीडर होगा वाला डिसमिस हो जाएगा, है ना? पहले, जी, पहला वाला कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, बाद वाला कंसीडर होगा। जी। और सर कब तक हो सकते सर एग्जाम, कुछ आइडिया बता सकते हैं आप? एग्जाम का तो भाई 25 तारीख तो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जी बिल्कुल है ना, तो जी। आप समझे कि 15 फरवरी के पहले पहले उम्मीद है। अभी हमने उनको लिखा हुआ मैसेज किया है कि जी वो हमको टेंटेटिव डेट अभी मिल बताएं। जाए। हाँ हाँ तो अभी उन्हें एक्चुअल में क्या है कि एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, क्या होता बिल्कुल है कि जैसे 25 तारीख लास्ट है, तो जी कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, जी जी 5 सेंटर हैं जी जी और ऑनलाइन एग्जाम होनी है, तो कितने सिस्टम्स कब अवेलेबल हो पाएंगे, इसके तो थोड़ा सा टाइम उनको भी लगता है कि भाई कब कैसे क्या होगा, बिल्कुल सर, है ना। तो सिस्टम बिल्कुल सिर्फ ऑफलाइन हो तो चलो ठीक है, वो कहीं भी करा लें, जी अब जी ऑन बिल्कुल सिस्टम्स अब, और क्या है कि उनका TCS से कोलैबोरेशन है, जी जी बिल्कुल तो 5 जगह 5 सेंटर है, जैसे आपने भरा होगा एग्जाम का जी। सेंटर, जबलपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। नहीं ग्वालियर नहीं है, सतना है, अच्छा सतना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना हाँ और जबलपुर, जी बिल्कुल है ना, 5 सेंटर जी। हैं। वो उसके ऊपर वो फिर डिपेंड करता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई कब एग्जाम वो लेंगे, क्योंकि अभी जैसे अभी अभी 55 56 हजार एप्लीकेशन तो आ चुकी हैं। अच्छा, हाँ समझे आप, तो काफी तो आ चुकी है सर, वैसा कहना चाहिए। हाँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैसे, और यदि और सिर्फ MP डोमिसाइल हमने मंगाया, मूल निवासी मध्य प्रदेश के होना चाहिए, ये अच्छा, बाहर के जो ऑनलाइन राजस्थान के हैं, जो नियर बाय अपने MP से हैं, वो भी? कोई भी अलाउ, मतलब यदि उनके पास MP का मूल निवासी का सर्टिफिकेट है तो ही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और दूसरा पंजीयन मंगाए मैं अपना रोजगार कार्यालय में, वो से तो खैर कोई भी करा सकता है, बाहर वाला भी करा सकता है, तो बिल्कुल सर, जी दो कंडीशंस हैं, तो वो कैसा क्या रखता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जी 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 बिल्कुल सर। है ना। एक और चीज बोल रहा था, मैंने जब फॉर्म फिल किया था वहां जाति प्रमाण पत्र जो मांगा हुआ है, तो अभी स्टूडेंट्स को नया बनाना पड़ेगा सर, है ना? नहीं आप किस मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओबीसी, ओबीसी सर। हाँ तो OBC में देखो, एक तो आपको एक तो जात कास्ट का तो आपका परमानेंट हो जाता है, बिल्कुल सर, स्थायी दूसरा जाति दूसरा जो भी रिलेक्शन है वो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलेंगे, जी जो भी आपका बैकलॉग का बेनिफिट है या दूसरे भी हैं, जी तो जी उसके लिए हमको आपकी आय का वो भी तो चाहिए ना, बिल्कुल सर, और वो 1 साल से पुराना नहीं, क्योंकि स्टेटस तो चेंज होता रहता है, हाँ जी बिल्कुल। तो वो या तो आपके पास नहीं है क्या वो इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय का, तो आप एक काम करिए भाई, कास्ट का तो आपके पास है ही, बिल्कुल सर आय प्रमाण पत्र आप तहसील से बनवा लीजिए, जी बिल्कुल। इनकम का यदि वहां से OBC का नहीं बन पा रहा है हाँ जी जी तो उसमें आपकी आय सर्टिफाई हो जाएगी कि भाई हमारी आय 8 लाख से कम है, जो भी हो, ठीक है, तो जी जी बिल्कुल वो लेटेस्ट चाहिए हमको, जी एक जी लाख जी जी चाहिए, तो वो आप आय पत्र आपका जहाँ भी बनता है कार्यालय, जी तहसील कार्यालय में या जो भी, वहां से आप वो बनवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वो दोनों चीजें देखो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास हो गया, जी, इनकम का आपका वो हो जाएगा आपका कि भाई नया ये वाला जी बिल्कुल नया कि हमारी इनकम जो तहसील से वो सर्टिफाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि भाई जब भी, अब ये चीजें भाई अभी तो फॉर्म के साथ तो कुछ लगना नहीं है, हाँ ये चीजें कब लगेगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू भी नहीं है, जी बिल्कुल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस बैंक में आप ज्वाइन करेंगे वहां पे जी आप जी
चीजें लगेंगी, तो उस समय आप अपना आय का प्रमाण पत्र, ये हमारा आय का प्रमाण पत्र है, ये हमारी जात का कास्ट का है, ये दोनों उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका कि आप क्रीमी लेयर में है कि नॉन क्रीमी लेयर में, बिल्कुल सही बोले सर आपने है ना। तो उस जी जी हिसाब से करा सकते हैं, ठीक है ना सर। ठीक सर मैं एक से आपसे एक और छोटी सा चीज पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे कुछ ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये आपकी बात को मैं वहाँ पे भी बता सकता हूँ, तो आपको कॉल फ्लो भी नहीं आएगा, राइट सर? ठीक हाँ हाँ है ना सर जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, काफी अच्छे से कहाँ इन्फॉर्मेशन दी आपने जी, बिल्कुल। से बोल रहे हैं आप? सिवनी डिस्ट्रिक्ट सर, सिवनी सिवनी। सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट। अच्छा, तो आपने क्या ग्रेजुएशन क्या किया है? बीई किया हुआ है सर, कंप्यूटर साइंस से अच्छा, बी कंप्यूटर साइंस से किया है ना। जी, हाँ जी, कहाँ से? इंदौर से किया हुआ है, ध्रुवा इंदौर कॉलेज, गया। वो जो पहाड़ के ऊपर है। अच्छा, वो चौधरी उसका डंडीर का हाँ जी, डांडिया सरकार, बिल्कुल सही बोले आपने, हाँ सुनील डंडीर है ना वहाँ पे जी, उनके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ठीक है। तो भैया आप फॉर्म तो भरी दिया होगा ना आपने? जी, फॉर्म फिल कर दिया है मैंने, बस कंफ्यूजन था कि दूसरा फॉर्म भी फिल करना है या नहीं करना है, मैं काफी सारा चीजें एक आप एक ही भरी है ना, जी जी भरे हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा जो पहला भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मुझे फिल करना है मैनेजर का, अगर मैं फिर से ऑपरेटर का भर दिया तो मेरा मैनेजर का कैंसिल हो जाएगा हाँ, जो पहला भरा वो कैंसिल होगा, बाद में जो लेटेस्ट आपने भरा पहले वो रहेगा, जी, ठीक ठीक है। है ना सर।